बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ अल्लाह के लिए जो मालिक है सारे धन वालों का, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है मालिक है रोज़े जज़ा का। हम तुझी को पूछते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, हमको सीधे रस्ते चला रास्ता उनका जिन पर तुमने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर जरा गज़ब हुआ और ना बहके हुआ का। जी, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन अवर ऑनलाइन सेशन ऑफ लैब 10। टुडे वी हैव द डेट ऑफ 25th of July 2020। आज हमारे लैब का जो टाइटल है वो लैब 10 और टू स्टडी टाइम करंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओवर करंट रिले यूजिंग ईटैप के ऊपर हम करेंगे। ऑब्जेक्टिव है इसका टू मॉडल अ पावर सिस्टम ऑन ई टैप हैविंग ऑन ओवर करंट रिले प्रोटेक्शन एंड स्टडी इट्स टीसीसी कर्व। टीसीसी कर्व स्टैंड फॉर होता है जी टाइम करंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस। अच्छा, मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? तो मुझे ज़रा कन्फर्म कर दें। यस सर, ठीक है जनाब। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि बाकी दोस्त भी हमें हमारे ज्वाइन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे लैब के हवाले से, तो उसे कंटिन्यू करते हैं। तकरीबन 7 लोग आ गए हैं हमारे साथ, तो लैब को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। Time current characteristics to protective device. Time is plotted on the vertical axis. Vertical यानी के y axis के ऊपर आता है and current is plotted on the horizontal axis. Axis के ऊपर of all time current characteristic curve. Log log type graph. Log log कहते हैं कि x axis और y axis current और time दोनों log के graph होंगे। अब log के graph के हवाले से मैंने detail आपको मेरे फाइल में last में बताया था कि हम log के graph किन्हें कहते हैं। is used to cover wide range of times and current. Characteristic curves are arranged so that area below and to the left of the curve indicate points of no operation. So, is graph जो बनता है time versus current का, इसके अंदर जो आपका left of curve indicate करता है no operation, ये left side पे कोई operation उसे perform नहीं होता, and the area above and to the right of the curve indicate point ऑपरेशन, और
जो ऑपरेशन का एरिया या उससे अबव होता है राइट साइड पे, वो बताता है कि वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ऑपरेशन से मुराद ये कि आपका करंट किस रेटिंग का चल रहा है, उसका कर्व कैसा है, टाइम के वर्सेस के मुकाबले में जो करंट आपने प्लॉट किया है उसका बिहेवियर किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो वो ऑब्जर्वेशन आप टीसीसी कर्व के अंदर टाइम वर्सेस करंट में ऑब्जर्व करते हैं। द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन अप्लाइंग करेक्टरिस्टिक कर्व टू अ कोऑर्डिनेशन स्टडी इज टू सिलेक्ट और सेट द वेरियस प्रोटेक्टिव डिवाइसेस सो दैट द करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सीरीज डिवाइसेस फ्रॉम characteristic curve of series of devices from the load to the source are located on a composite time current graph from left to right with no overloading of curves. The result in the last coordinated curve on one composite time current graph. जब मैं इसको अगर आपको explain करूँ ये चीज, एक आर्टिकल मैंने इसका देखा था टाइम करंट कर्व्स के हवाले से, मैं आपसे शेयर कर दूंगा एलएमएस के ऊपर, तो आपको वो मिल जाएगा। अच्छा, जिन लोगों के ड्यूज वगैरह बाकी हैं उनका एलएमएस और ईएलएमएस टेम्प्ररी ब्लॉक हो गया है, तो अपने ड्यूज क्लियर कर लीजिएगा ताकि वो एलएमएस का अकाउंट आपके पास एक्टिव हो जाए और आप एग्जाम वगैरह आसानी से दे सकें। ये पूरी डिटेल डिस्कशन यहाँ पे दी गई है उसके हवाले से, ये होता है जी टाइम वर्सेस करंट ग्राफ, ये आपका टीसीसी कर्व कहलाता है। प्रॉपर तो नहीं है लेकिन तकरीबन उस तरह से है कि केवी रेटिंग भी इसमें आ जाती है, या आपका करंट आता है यहाँ पर और यहाँ आपका टाइम आता है और यहाँ का करंट आता है, उसके वर्सेस में ग्राफ बन रहा होता है, दोनों के लॉग के कर्व होते हैं ये। फर्दर मोर ये भी एक टीसीसी कर्व है, द टाइम करंट कर्व ऑफ मोटर एंड ऑल्सो नोन एज डैमेज कर्व भी कहते हैं इसको। इंटरनेट पे मोटर का बड़ा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा टीसीसी कर्व के हवाले से। तो ये कर्व किस तरह से चल रहा होता है, मुख्तलिफ किस्म के कर्व के जरिए से हमें ये आइडिया हो रहा है। जिस तरीके से आप ये वाला कर्व देखें, लास्ट वाला एक ये है और इस तरीके से ये चल रहा है कर्व, तो इनके बारे में कहा गया ओवरलोड रनिंग कर्व है, हॉट मोटर थर्मल डैमेज कर्व है ये वाला, क्योंकि तो इसमें करंट बढ़ गया है टाइम के नस्बत। अच्छा, ये जो टीसीसी कर्व लिया गया है ये टाइम इसका जो है वो वाई वे है और इसका करंट जो है वो एक्सिस। ओवरलोड स्टार्टिंग कर्व, स्टार्टिंग लोड, स्टार्टिंग के वक्त ओवरलोड अगर आती है मोटर के ऊपर की कंडीशन तो उसका कर्व ये है। कोल्ड मोटर थर्मल डैमेज, कोल्ड मोटर थर्मल डैमेज का मतलब है ठंडी मोटर हो लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर थर्मल डैमेजेस अगर आना शुरू हो जाए लीकेज की वजह से पुरानी वाइंडिंग के नतीजे में, तो ये कोल्ड मोटर थर्मल डैमेज कर्व की कंडीशंस कहलाती है। अच्छा जी, और इसके साथ ही साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइम करंट कर्व फॉर मोटर नोन एज डैमेज कर्व भी कहते हैं, ये मोटर का केस हो गया। टाइम करंट कर्व प्रोटेक्शन रिलेस, ये आपके ओवर लोड करंट की प्रोटेक्शन रिलेस का कर्व है, ये इस तरीके से स्मूथ वे में जा रहा होता है और ऐसे आगे खत्म हो जाता है। ये एक से ऊपर फ्यूज का अब कर्व शुरू होता है यहाँ पे। इतना टीसीसी कर्व हर एक चीज़ के हैं, फ्यूज के हैं, हम जो टीसीसी कर्व पढ़ेंगे वो ओवरलोड रिले का, जो हमने ऊपर असल में मोटर का पढ़ा है ना वही ओवरलोड का ही है वो, ये सर्किट ब्रेकर का टीसीसी कर्व है। अच्छा, ये टीसीसी कर्व जो है ये कैटेगरी वाइज भी होता है, जैसे सर्किट ब्रेकर का तो ये कर्व है ही, लेकिन सर्किट ब्रेकर की जो वो होती हैं कैटेगराइजेशन क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो ये इस तरह क्लास डी, चार किस्म की नौयत के टीसीसी कर्व होते हैं सिर्फ सर्किट ब्रेकर के ही, के जो इंटरप्टिंग हाई एम्पेयर रेटिंग के ऊपर कितने टाइम में उसको करते हैं ट्रिप, तो ये कैपेबिलिटी वगैरह जो है हमारे बॉस को बहुत अच्छी आती थी, अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे सीख नहीं सका। ये एक मरतबा डिस्कस ज़रूर हुआ था लेकिन वो इस चीज़ को पढ़ते थे कि बहुत सारे मैगजीन्स और बहुत सारे आर्टिकल्स आते थे ऑनलाइन, तो हमारे जो बॉस थे वो इस चीज़ को पढ़ते थे और वो पढ़ के जाते थे मीटिंग्स के अंदर, ये सब चीज़ें बाकायदा तैयारी करके, और बहुत क्विक वे में, बड़े क्विक लर्नर थे हमारे जो बॉस थे, तो उसको बहुत जल्दी कर लिया करते थे वो। फर्दरमोर सर्किट ब्रेकर का एक और कर्व है, ये एक आर्टिकल है जो इंटरनेट से मैंने निकाला है और मैं आप लोगों से ये शेयर भी कर दूंगा।
अगेन देखिए सर्किट ब्रेकर के कितने सारे कर्व चल रहे हैं, सर्किट ब्रेकर के कर्व में जो एक चेंजेस आई है वो डबल कर रहा है। ये ऑप्शन ई टैब में भी होता है, करंट एम्पेयर, इन एम्पेयर, ये एक ये वाला जो पिंक वाला है दो डिफरेंट कलर के, ये असल में रेटेड का है, रेटेड करंट का, और ये वाला जो है ये शॉर्ट सर्किट करंट का, इन दोनों में ये फर्क। तो ये लोअर एम्पेयर का या हायर एम्पेयर का, रेटेड कंडीशन ऑफ द करंट है, और ये शॉर्ट सर्किट करंट हाई लेवल का जो करंट होता है उसके ऊपर ही कर्व बनता है कि उस सर्किट ब्रेकर का बिहेवियर इस एबनॉर्मल करंट के अंदर क्या ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है ना, कोई सवाल किसी का हो तो आप पूछ लीजिएगा, हम उसको डील कर लेंगे। थर्मल मैक ब्रेकर्स, अब इसके अंदर जो है वो थर्मल पोर्शन यूजुअली फिक्स्ड होता है, मैक पोर्शन यूजुअली बैटरी एंड हो रही है। और इसमें ये थर्मल का कर्व है जो ये ब्लू लाइन से है, और जो मैक थर्मल कर्व है वो इस तरह से दिखाया गया है। तो एटिकेट सेटिंग इसकी की जाती है जिसकी वजह से ये एडजस्टेबल रीडिंग पे आ जाता है, और फिर आपकी मुख्तलिफ रीडिंग्स परफॉर्म की जाती हैं इस पर। तो टीसीसी कर्व की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस हैं जो मुख्तलिफ नौयत के ऊपर मुख्तलिफ होती हैं, शॉर्ट सर्किट नेचर के करंट होते हैं, और इस तरीके से इस चीज़ को परफॉर्म किया जाता है। फिर इसकी वो डिटेल एक चीज़ें बताई गई हैं कि देखिए नेट कंडीशन क्या हो जाती है, वो अगर लूज छोड़ दिया आपने तो उसकी उसी वजह से शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस हो जाती है और आपके इस तरह के कॉन्टैक्ट जल जाते हैं। ये आपके असल में फ्यूज़ हैं, इसको वो कहते हैं फ्यूज विद लिंक, ये बोल गया। ये देखिए इसका लिंक जल गया, पिस्टन नट के जरिए वो टाइट था बस बार के ऊपर, ये फ्यूज है, एचआरसी फ्यूज, ये बीएमटी के ऊपर लगा हुआ होता है अगर आपने कॉल किया हो, लेकिन यहाँ ये किसी और मकसद के लिए फ्यूज लगा हुआ है। इसको फीडर भी कहते हैं, फीडर पिलर कहते हैं इसको। जब आपका फीडर जल जाता है तो आके उस फ्यूज को चेंज करते हैं, या इसका ब्रेकर अगर ट्रिप हो जाता है तो उसको उठा देते हैं, तो आपका फीडर एक्टिव हो जाता है। ये वो चीज़ है। अब इन्होंने इसके कॉज बताए कि अगर हम इसको स्टडी कर रहे हो तो फिर सिनेरियो क्या है, और ये फ्यूज़ देखिए कितना बड़ा फ्यूज़ है लिंक के साथ, और डबल पैरेलल में लगा हुआ है, ये पूरा जल गया है फ्यूज़ की कंडीशन अगर आप देखें। इस तरह से तो बहुत ज़्यादा डैमेज एक कंडीशन है, ये पूरा जल के खाक हो गए, टूट गया है, और इसके नट की तो हालत ये हो गई है शॉर्ट सर्किट हो गया। ये ट्रांसफार्मर इनरिश मस्ट बी लेफ्ट टू कर्व। अच्छा, इनरिश करंट क्या होता है, जो स्टार्टिंग टॉर्क जब के ऊपर आके आपका सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो वो अपने नॉर्मल रेट के मुकाबले में 3 times या 4 times करंट ज़्यादा लेता है, तो उस करंट को इनरिश करंट कहते हैं। हीट डैमेज, ये सब चीज़ें उसके अंदर लिखी होती हैं। अब ये चीज़ देखें, ये आपकी पोर्सलिन का एक इंसुलेटर है, ये डैमेज हुई है इसकी डिस्क, ये डिस्क वाइज लगी होती है, तो ये डिस्क इसकी डैमेज हो गई है अगर आप देखें, ये हीटिंग और ओवरलोड के नतीजे में इस तरह से हुआ है, और पे भी हो रहा है, इस पर हो रहा है, तो ओवरलोड के नतीजे में इस तरह की चीज़ ऑब्जर्व की जा रही है। ये केबल के ऊपर दिखाया जा रहा है, आप केबल के ऊपर अगर गौर करें कि क्रूजें आ रही है, इसकी वजह से नमी है मेरे ख्याल में इस जगह ना, तो उस वजह से इसकी चीज़ ये नज़र आ रही है। ओवर हीटिंग एनर्जी में ये जंगल उग जाती है। अच्छा, ये चीज़ देखें, ये वाइंडिंग जो है वो कनेक्ट हुई हुई है टैप चेंजर्स के ऊपर, ये टैप चेंजर्स होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर लगे हुए, तो ये एक्टिव करते हैं यहाँ के टैपिंग, तो वो सीरीज ऑफ टैपिंग इंक्लूड होती है उसकी वजह से, सॉरी पैरेलल और टॉपिंग सीरीज दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसके नतीजे में आपका करंट बढ़ जाता है। लेकिन बहरहाल शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग कंडीशन में जो उसका फिजिकल एस्पेक्ट तो मैं दिखा ही रहा हूँ आपको, फिजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ उसके हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी देखे हैं कि फिर क्या उसका नतीजा आता है। ये इसका ऑसिलोस्कोप के जरिए एनालिसिस है जो दिखाया जा रहा है, ये चीज़ें आप लोगों से शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को इसकी डिटेल नॉलेज मिल जाए। तो टीसीसी कर्व जो है और इससे मुतालिक डॉक्यूमेंट किन किन डिवाइसेस के अंदर ये होता है वो हम आप लोगों से शेयर कर देंगे ताकि आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन।
समझ जाए, बाकी की जो लैब के हवाले डिस्कशन है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट हम बात कर रहे थे किसी से कर्ड की, अ रिले दैट ऑपरेट और पिक अप व्हेन इट्स करंट एक्सीड अ प्री डिटरमाइंड वैल्यू सेटिंग वैल्यू एंड ओवर रिले। ओवर करंट रिले हम तब इस्तेमाल करते हैं उसकी एक्सीड और प्री डिटरमाइंड वैल्यू जो आपने इसको सेटिंग की हुई यूजर डिफाइन की, अगर उससे एक्सीड कर जाती है तो हम उसको ओवरलोड कंडीशन कहते हैं और उसके लिए ओवर करंट रिले इस्तेमाल की जाती है। ओवर करंट प्रोटेक्शन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम अगेंस्ट एक्सेसिव करंट विच आर कॉज बाई शॉर्ट सर्किट्स ग्राउंड फॉल्ट्स एक्सेट्रा। ओवर करंट रिलेज इधर लगती हैं, कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट प्रैक्टिकली एनी पावर सिस्टम एलिमेंट्स ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसफार्मर जनरेटर्स एंड मोटर्स में उसको इस्तेमाल किया जाता है। और फीडर, फीडर मैंने अभी आपको दिखाया, प्रोटेक्शन वेयर वुड बी मोर देन वन ओवर करंट रिले इस्तेमाल की जाती है टू प्रोटेक्ट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द फीडर, उसका जो सेक्शन को प्रोटेक्ट किया जाता है उसको प्रिवेंट किया जाता है शॉर्ट सर्किट के और फीडर में उसको लगाया जाता है। दीज ओवर करंट रिलेज नीड टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर सच दैट द रिले नियरेस्ट फॉल्ट ऑपरेट्स फर्स्ट। यूज टाइम करंट एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइम एंड करंट आर थ्री वेज टू डिस्क्रिमिनेट एडजस्टेंट ओवर करंट रिलेज। ओवर करंट रिले गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर करंट इंक्लूड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन एंड शॉर्ट सर्किट कैन बी। तो शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है और ओवरलोड के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। और उसमें जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें लगती हैं वो कौन कौन से फॉल्ट होते हैं जिनके जरिए चीज़ अगर होती है, वो बेस फॉल्ट है, अर्थ फॉल्ट है, वाइंडिंग फॉल्ट है। इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा ओवर करंट डिलेज ओवर करंट प्रोड्यूस होता है जिसके नतीजे में ओवर करंट डिलेज या ओवरलोड डिलेज लगाई जाती हैं। ओवर सर्किट शॉर्ट सर्किट करंट आर जनरली सेवरल टाइम्स 5 to 20 times तक होता है रेटेड के मुकाबले में जो ओवर करंट है। मैंने 3 to 4 बताया था लेकिन ये उससे भी ज़्यादा, ये तो वो है शॉर्ट सर्किट का। मैंने इनरश करंट के बारे में बताया था जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो 3 to 4 times होता है, लेकिन जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो 5 to 20 times होता है नॉर्मल रेटेड करंट के मुकाबले में फुल लोड करंट। हिंस फर्स्ट इन फास्ट करंट फॉल्ट क्लियरेंस इज ऑलवेज डिजायरेबल ऑन द शॉर्ट सर्किट। डिफरेंस बिटवीन द ओवर करंट एंड ओवर प्रोटेक्शन, ओवर करंट